बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे चिकन मिक्स वेजिटेबल। ये बहुत ही मज़े की बनती है और साथ हमने बनाया है सलाद और चटनी। तो हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम ले लेंगे शलजम। शलजम हमने लिए हैं आधा किलो और इनको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। देन हमने लिए हैं आलू। आलू हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और इनको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। फिर हमने लिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने 2 मीडियम साइज़ की ली थी और इनको भी क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर, टमाटर भी हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और उनको हमने कट कर लिया है। मटर, मटर हमने तकरीबन आधा किलो लिए हैं। गाजरें, गाजरें हमने 2 मीडियम साइज़ की ली थी और उनको इस तरह कटिंग कर ली है। प्याज, प्याज हमने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के और उनकी कटिंग कर ली है। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं लहसुन। 1/2 kg लिया है हमने चिकन। चिकन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेता है और सब बहुत शौक से सब्ज़ी खा लेते हैं। अगर आप ना डालें तब भी हमारी सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद अपनी कढ़ाई उसके ऊपर रख लेंगे, उसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल आपने अपने मुताबिक ऐड कर लेना है जितना आप अपनी हांडी में ऐड करते हैं। अब हम प्याज को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से। जी तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज हो गया है हल्का ब्राउन। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन के मैंने और स्मॉल पीसेस कर लिए थे, ये आप देख सकते हैं। और हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। जी तो हमारा चिकन हो गया अच्छे से फ्राई। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे अच्छे से मिक्स करके। जी तो लहसुन के साथ हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमारे पास है नमक, नमक हमने लिया है 1 टेबलस्पून। ज़ीरा, ज़ीरा हमने लिया है तकरीबन आधा टेबलस्पून। हल्दी, हल्दी भी हमने आधा टेबलस्पून लिया है। सुर्ख मिर्चें, सुर्ख मिर्चें हमने 1 टेबलस्पून लिया है। और ये हमारे पास खुश धनिया और गर्म मसाला, ये तकरीबन हमने 1/2 टेबलस्पून लिया है। और इन सारे स्पाइसेस को हम इसी तरह बीच में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब मसाले चिकन के साथ मिक्स हो जाए। और हम इसको पकाएंगे जब तक हमारे पास टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। इसको हम सॉफ्ट होने के लिए, हमारे टमाटर हो गए हैं अच्छे से मैश यानी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। आलूओं को डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भुनेंगे जब तक हमारे पास आलू थोड़े थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। जी तो 5 मिनट हो गए हैं हमारे आलूओं को थोड़े थोड़े के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम सब वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। इसमें हैं गाजरें, गाजरों के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर मटर,
मटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। कट करने से पहले मैं इन सबको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे कलरफुल और कितना अच्छा कलर आया है। कलरफुल सी हमारी हांडी बन गई। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन। 5 मिनट बाद हम इसके अंदर डालेंगे लेमन। लेमन हम डालेंगे टेस्ट के लिए, इससे हांडी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अच्छी तरह स्क्वीज करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। आपको हांडी के अंदर पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी ही स्टीम में इजीली गल जाएगा। इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और बीच में एक दो दफ़ा हम इसको हला लेंगे। जी तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं हमारी सब्ज़ी को, अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे सी कलरफुल सी हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है और ये अच्छे से गल भी गई है, ये देखिए आप। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो हमारी मीडियम फ्लेम पे चिकन वेजिटेबल हो गई हैं तैयार, इनको हम डिश आउट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका कलर आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। चिकन से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो सकता है, लेकिन चिकन फिर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी डिश आउट हो चुकी थी, इसको हमने सर्व कर लिया है सलाद और चटनी के साथ। Please like and subscribe my channel and also share my videos with your friends. Allah Hafiz.